मैं छोटे छोटे एकदम क्विक फायर क्वेश्चन करने वाला हूं। चार्ज अगेंस्ट यू, यू आर एरोगेंट। अगर ये चार्ज मेरे सामने कहा जाता है उसका मतलब कि एरोगेंस होता तो शायद कोई हिम्मत नहीं करता। आपके सामने कह नहीं पाते ना, इसलिए तो डर लगता है। वही तो मैं कह रहा पब्लिक में कहते हैं जाकर। वही तो मैं कहता हूँ। तो आप एरोगेंट नहीं है। देखिए, अगर कोई दुनिया में ये कहता है कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ तो वो सबसे बड़ा एरोगेंट है। अच्छा, दूसरा चार्ज आप कहते हैं यू आर रैंक कम्युनलिस्ट, असांप्रदायिकवादी, एंटी मुस्लिम है। मैं हिंदुत्व के प्रति अपार आस्था रखता हूँ। मैं मानता हूँ हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व ही है जो सबको जोड़ सकता है। और आज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म जिस प्रकार से दुनिया को, मानवता को ग्रस्त कर रहा है, ऐसे समय सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखने वाला हिंदुत्व, उसको सही महीना में मायने में पहचानेंगे तो हम मानव जात की सेवा करेंगे। तो इसलिए आप इस कम्युनल राइफ को यूज करके, स्ट्राइफ को यूज करके, झगड़े को यूज करके, आई एम अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप यूज करके, आपका उद्देश्य है कि आई एम अगेंस्ट राष्ट्रीय नेता बनना, प्रधानमंत्री के सपने आप देख रहे हैं। देखिए, गोधरा के बाद, गोधरा को यूज कर रहे हैं आप अपने आप को नेशनल लीडर बनाने के लिए। गोधरा के बाद 6 महीने के बाद अक्षरधाम हुआ था, 40 हिंदू लोगों को मंदिर के अंदर मौत के घाट उतार गया था। उसके बाद भी यही गुजरात है जिसने शांति रखी थी, एक कंकर तक कहीं फेंका नहीं था। ये भी गुजरात की पहचान थी। और तब भी वही मुख्यमंत्री थी, मंत्री थे जिस पर आप इतना आरोप मढ़ते रहते हैं। मोदी जी, आप हमेशा हिंदुओं का नाम बार बार लेते हैं, इसका मतलब आपकी स्टडी ये भी कि हिंदुत्व के नाम पे एक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का सपना भी देखता है। हिंदुत्व यह संप्रदाय नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का सपना, भारत की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हिंदुत्व इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व इज नॉट अ रिलीजन फॉर योर ओन पॉलिटिकल मूव। आई एम नॉट एक्सप्लॉइटिंग एट ऑल। यू आर द हिंदू, यू आर ऑल द टाइम हिंदू, हिंदू 50 हिंदू गोधरा, दिस यू आर नॉट 1000 मुस्लिम किल्ड इन योर नहीं। मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूँ, और जब मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूँ तब उसमें सबके सब आ जाते हैं। अगर किसी गाँव में नर्मदा का पानी पहुंचता है तो उस गाँव के सब नागरिक पीते हैं। आपको अभी लगता है कि पार्टी को बचाने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन की जरूरत है? मेरी पार्टी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे जो कुछ भी करने पड़ेगा वो सब कुछ करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा, कुर्सी छोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और मेरा दायित्व है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक हो सब कुछ करना चाहिए, और उसी को मैं अभी भी कर रहा हूँ। पूछ रहा हूँ कि पार्टी आपको कहेगी आज आप इस्तीफा दे के मुख्यमंत्री का आम कार्यकर्ता के रूप में वापस आ जाइए, ये पार्टी के हित में है, तो आप वो करेंगे? जिस दिन पार्टी मुझे जो भी कहेगी, मैं एक स्पेसिफिक सुन लीजिए ना, पार्टी मुझे जो भी कहेगी इस्तीफा देने के बाद, उसके बाद करने के बीच आपको सवाल पूछने का समय भी नहीं रहेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इस्तीफा भी देने को कहेगी तो? मैं साफ कहता हूँ ना कि मेरी पार्टी ने मुझे जब जो कहा है वो सारे काम मैंने आज तक किए हैं, वही मेरा रिकॉर्ड है। वैसे आप अलग से व्यक्तित्व है आपका, जब राजनीति सवाल उठते हैं तो वही हो जाते हैं, जवाब सीधे नहीं देते। मैंने जवाब से कहा इस्तीफा देंगे, जो कुछ कहेंगे वही करेंगे, वह हर पॉलिटिशियन बोलता है, तो आप में कोई फर्क नजर नहीं आता। आप कहिए मैं दूंगा इस्तीफा अगर पार्टी कहेगी तो। मैं कहता हूँ ना, मैं जब ये कहता हूँ मेरी पार्टी ने, क्योंकि आपने काम अच्छा किया, सरकार अच्छी चलाई, आप खुश हो, टिल मोमेंट पार्टी ने जो कहा वही मैंने किया है, और आगे भी वही, आगे भी पार्टी जो कहेंगी वही करता रहूंगा। और जिस दिन मेरी पार्टी की बात मानने की मेरी ताकत खो दूंगा तब मैं समझता हूं मैं पार्टी का को अपने आप को कार्यकर्ता कहने लायक नहीं रहूंगा। चलो देखेंगे आगे आप क्या करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।